मी एज एन ऑफिसर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हम पीर करेगा। पुलिस आ रहे एफ आई आर में लॉन्च करने आप लोगों, उसमें भी मैं साइन कर लूंगा एज एन ऑफिसर। अगर आप लोगों को रिटन स्टेटमेंट चाहिए कि हमारा गलती से हुआ है करके, वो भी हम कर देगा। ओके, आगे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगेन मैं ही ले रहा हूँ एज एन ऑफिसर, ठीक है। मेरा बंदे यहाँ से नहीं चलेगा जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होता है। आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग संतोष हो? हम नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे बचते रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में गलत पहचान की वजह से सेना की गोलीबारी में दो लोग घायल हो गए। गोलीबारी में घायल हुए दोनों युवाओं की पहचान 28 साल के नोकफिया वांगदान और 23 साल के रामवांग वांगसू के रूप में हुई है। तिरप के डीसी तारू मिजे ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिले के चासा गांव के चार लड़कों का एक समूह शुक्रवार शाम मछली पकड़कर लौट रहा था। अंधेरा छा जाने के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था और सेना ने विद्रोही समझकर गलती से गोली मार दी। जब सेना ने फायरिंग की तो लड़के चिल्लाने लगे कि वो आम नागरिक हैं, लेकिन तब तक सेना की गोली दो युवकों को घायल कर चुकी थी। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इसी हमले से उग्र हुए जिले के लोगों ने जब कमांडिंग ऑफिसर को घेरा तो सुनिए क्या कहना था ऑफिसर का। हिंदी में बोलता हूँ, जो भी इंजरी है दोनों का उसका ट्रीटमेंट हो रहा है अभी एज वी स्पीक, ऐसा हम बात कर रहे हैं। खराब चीज मत बोलो, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है एज वी स्पीक, एज वी स्पीक। वो दोनों उनको एवोकेट करके ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं, कौन सा से एयरलिफ्ट करके जोरहाट की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। ये एक चीज हो गया। सेकेंड थिंग, गलती तो हमने मान लिया, पर इस चीज को डैमेज को हम कम्पेंसेट करने के लिए पैसा से फैमिली को पैसा कम्पेंसेशन देने का, इंडिविजुअल का जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट देने का, वो सारे का सारे हम मी एज एन ऑफिसर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हम पीर करेगा, ठीक है ना। थर्ड थिंग, अगर आप लोगों को रिटन स्टेटमेंट चाहिए कि हमारा गलती से हुआ है करके, वो भी हम कर देगा। पुलिस आ रहे एफ आई आर में लॉन्च करने आप लोगों, उसमें भी मैं साइन कर लूंगा एज एन ऑफिसर। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ क्योंकि ये मेरा कमान के अंदर इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। तो ये इस चीज का एज ए मेजर एज एन ऑफिसर मैं इस चीज को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ठीक है ना। आपका रैंक बताओ, इन फ्यूचर ऑल्सो आपका यूनिट आपका रैंक बताओ। मैंने बता दिया 12 पैरा है, ठीक है। हम कौन सा से है, ठीक है, असराइबल नहीं है। आपका रैंक मैं बता दिया, मेजर, ठीक है, मेजर जी एम, ठीक है। यूनिट बोलो सर, 12 पैरा बहुत बता दिया। हम आपसे हम पूछा है, जिंदा होगा मैं आपको इश्योर कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, हम पूछेगा, ठीक है। नहीं नहीं सर, आप देखिए, अगर आपने मिस्टेक से मार दिया, घंटी आपका था, आप बन दिया, बता देना, तो मरना भी, मरने से भी आपका है, बाकी भी सिर्फ आपका है। अगर जिंदा भी चले तो रिस्पॉन्सिबल हमारे है, जिंदा नहीं चलेगा। आपका है, जो होने से भी तू ये ना कितना मिस्टेक, तो आपका अंदर में होगा सब कुछ, मरना ना बचना है, ये सही बात होगा। अभी मैं डॉक्टर साहब से बात किया, 6 असम राइफल का आरएमओ साहब से बात किया, जो क्या बोलते हैं उसको, इंजरी जो है लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक हो जाएगा और बड़े वाले हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, जो कि ठीक हो जाएगा, ठीक है ना सभी, है ना। आगे का जो ओके, आगे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगेन मैं ही ले रहा हूँ एज एन ऑफिसर, ठीक है। आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरा बंदे यहाँ से नहीं चलेगा जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होता है। जब तक आप लोगों को लगता नहीं है, आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग संतोष हो, हम नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे बचते रहेंगे, ठीक है। देखा आपने, ऑफिसर अपनी गलती को स्वीकार भी कर रहा है और गलती को सुधारने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मुआवजा दिलवाने पूरा इलाज का खर्च वहन करने का परिजनों को विश्वास दिला रहा है, साथ ही एफआईआर पर भी खुद ही साइन करने की बात कर रहा है। साथ ही ऑफिसर ने यह भी कह दिया कि जब तक गांव वाले संतुष्ट नहीं होते तब तक सेना का कोई भी जवान वहां से हिलेगा नहीं, बल्कि वहीं बैठा रहेगा, है ना। आगे का जो ओके, आगे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगेन मैं ही ले रहा हूँ एज एन ऑफिसर, ठीक है। आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरा बंदे यहाँ से नहीं चलेगा जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होता है। जब तक आप लोगों को लगता नहीं है, आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग संतोष हो, हम नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे बचते रहेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से अपनी गलती की जिम्मेदारी लेते शायद पहले किसी ऑफिसर को आप देख रहे होंगे। ये ऑफिसर ग्रामीणों को हर तरह से विश्वास दिला रहा है कि उनके बच्चों को कुछ नहीं होगा, अच्छे अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है। तिरप के डीसी तारो मिजे के मुताबिक घटना के बाद चासा गांव में स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रण में है। शुक्रवार को ग्राम प्रधान के घर पर बैठक हुई जिसमें सुरक्षा बलों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और प्रत्येक को 2 लाख रुपए मुआवजा देने के साथ साथ उनको रोजगार दिए जाने की भी संभावना पर विचार को सहमति प्रदान की है, जिसके बाद ग्रामीणों ने फैसला किया कि वो सुरक्षा बलों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे।
आपको बता दें तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश के उन तीन जिलों में शामिल है जहां केंद्र ने शुक्रवार को सशस्त्र बल अधिनियम और अफस्पा को बढ़ाया है। अफस्पा सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और यहां तक कि कुछ स्थितियों में मारने के लिए गोली चलाने की व्यापक शक्ति देता है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को पूर्वोत्तर के चार राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के सिर्फ 31 जिलों में पूरी तरह और 12 जिलों में आंशिक रूप से प्रभावी है। अरुणाचल प्रदेश के तिरप में अगले 6 महीने के लिए अफस्पा को बढ़ाया गया है। अफस्पा सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है और अगर सुरक्षा बलों की गोली से किसी की मौत हो जाए तो भी कानून उन्हें गिरफ्तारी और अभियोजन से संरक्षण प्रदान करता है। फिलहाल आप उस ऑफिसर की भूल मानने वाले वीडियो पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? गलती करके मान लेना और इस तरह से मानने वाले को आप क्या कहेंगे? निश्चित ही इस ऑफिसर की बातें आपके मन को छू गई होंगी। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हिंदी में बोलता हूँ, जो भी इंजरी है दोनों का उसका ट्रीटमेंट हो रहा है अभी एज वी स्पीक। ऐसा हम बात कर रहे हैं, खराब चीज मत बोलो, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है एज वी स्पीक। एज वी स्पीक वो दोनों उनको एवैक्यूएट करके ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं, कौन सा से एयरलिफ्ट करके जोरहाट की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, ये एक चीज हो गया। सेकेंड थिंग, गलती तो हमने मान लिया, पर इस चीज को डैमेज को हम कंपेंसेट करने के लिए पैसा से फैमिली को पैसे कम्पेंसेशन देने का, इंडिविजुअल का जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट देने का वो सारे का सारे हम मी एस एन ऑफिसर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हम पीर करेगा। ठीक है ना। थर्ड थिंग, अगर आप लोगों को रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए कि हमारा गलती से हुआ है करके, वो भी हम कर देगा। पुलिस आ रहे FIR में लॉन्च करने आप लोगों, उसमें भी मैं साइन कर लूंगा एस एन ऑफिसर, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ क्योंकि ये मेरा कमांड के अंदर इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो ये इस चीज का एज ए मेजर एज एन ऑफिसर मैं इस चीज को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ठीक है ना, आपका रैंक बताओ। एंड इन फ्यूचर आल्सो आपका यूनिट, आपका रैंक बताओ। मैंने बता दिया 12 पैरा है। ठीक है, हम कौन सा से है? ठीक है, अस्क्राइबल नहीं है। आपका रैंक मैं बता दिया, मेजर। ठीक है, मेजर GM। ठीक है, यूनिट बोलो सर, 12 पैरा बहुत बता दिया। हम आपसे हम पूछ रहे हैं, जिंदा होगा मैं आपको इश्योर कर रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट रुकिए, हम पूछेगा। ठीक है, नहीं नहीं सर, आप देखिए, अगर आपने मिस्टेक से मार दिया, घंटी आपका था, आप बन दिया, बता देना, तो मरना भी, मरने से भी आपका है, बाकी भी सिर्फ आपका है। अगर जिंदा भी चले तो रिस्पॉन्सिबल हमारे है, जिंदा नहीं चलेगा। आपका है जो होने से भी, तो आप ये ना कितना मिस्टेक है, तो आपका अंदर में होगा सब कुछ, तो मरना ना बचना है। ये सही बात है। बट अभी मैं डॉक्टर साहब से बात किया, 6 असम राइफल का RMO साहब से बात किया, जो क्या बोलते हैं उसको, इंजरी जो है लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक हो जाएगा और बड़े वाला हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं जो कि ठीक हो जाएगा। ठीक है ना सभी, है ना। आगे का जो आगे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगेन मैं ही ले रहा हूँ एज एन ऑफिसर। ठीक है, आप सबका सामने बोल रहा हूँ, मेरा बंदे यहाँ से नहीं चलेगा जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होता है, जब तक आप लोगों को लगता नहीं है, आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग संतोष हो, हम नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे बैठते रहेंगे। ठीक है, ठीक है।